हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों के रेडी कराए हैं, जो कि कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि क्या सर है और किस प्रकार से खुशियाँ आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। और आज आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आज के दिन के दैनिक राशिफल और आपके जीवन में किस प्रकार बड़े बदलाव के साथ कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन पे होने के चांसेस किस प्रकार बन जाने की स्थिति बन सकती हैं। तो कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन पे होने के चांसेस किस प्रकार बन सकते हैं, तो कुछ लाभकारी परिणाम भी प्रदर्शित करना हो सकता है। तो कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन पे होने की स्थिति बन सकती हैं। जी हाँ मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि कैसा रहेगा और किस प्रकार से खुशियां आपके जीवन में देखने का मौका भी मिलने का कार्य हो सकता है। तो कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन पे होने की स्थिति किस प्रकार से बन सकती हैं और आपको लाभकारी परिणाम किस प्रकार देने की स्थिति बन सकती है। और आज आपके लिए कैसा रहेगा व्यापार, व्यावसायिक, करियर, लव लाइफ, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सब बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है, तो आपका लकी कलर और लकी नंबर कैसा रहेगा, भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार बढ़ सकते हैं, आपके जीवन में कौन सा बड़ी परिवर्तन का प्राप्त हो सकता है, तो आप लोगों को सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वक्त का इम्तिहान, वक्त का साथ और वक्त के पाबंद से कार्य को करना काफ़ी परेशानियों को निदान करता है और आपको रूटीन किसी भी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और आज आपको जीवन में बड़े बदलाव हो जाने की स्थिति बन सकती है। ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है और आज किसी पुराने समस्त समस्याओं का समाधान मिल सकता है। सूझबूझ विवेक से कार्य को करने से हरी बाजी आपके पक्ष में रह सकती है। परिवारजनों तथा मित्रों के साथ बेहतरीन समय व्यतीत हो सकता है। जोखिम वाला कोई भी निर्णय को ना लीजिए। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कोई बड़ा रूप से आपको फैसला लेने से पहले उस पर गंभीरताओं से सोच विचार अवश्य करने होंगे। स्वभाव में परिवर्तनों को लाना जरूरी हो सकता है। पुस्तैनी कार्यों से संबंधित व्यवसाय में अधिक लाभदायक परिस्थितियां भी बन सकती हैं। मार्केटिंग तथा प्रोडक्शन से संबंधित कार्यों पर ज्यादा ध्यान देंगे। किसी अनजान इंसान से बिजनेस संबंधित कोई भी बात को शेयर न करिएगा। ऑफिस में कुछ अथॉरिटी मिल सकती है। घर में खुशियां ही रहेंगे, अपनी खुशी महसूस करेंगे। मित्रों, मौत मस्ती से इसमें और पैसा ही बर्बाद हो सकता है। और रात के तनाव की वजह से नींद न आ जाने जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। योगा मेडिटेशन पर जरूर ध्यान दीजिएगा और आपको जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव हो सकते हैं। अभी हर एक बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करनी हो सकती है। भविष्य से संबंधित योजना बनाते समय आपको सभी बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने होंगे। जब तक आप दूरदृष्टि रखकर विचार नहीं करते हैं, तब तक अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञान जान पाना संभव नहीं होगा। करियर से संबंधित चिंताएं महसूस होंगे, लेकिन अपने प्रयत्नों से आप उसे दूर कर पा सकते हैं। वर्तमान में चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, रिलेशनशिप में सकारात्मकताएं बनाए रखना होगा। सेहत में बार बार उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। उत्तम ग्रह स्थिति बनी हुई है। आप अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह कर सकते हैं। परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग मौज मस्ती में समय व्यतीत हो सकता है। राजनीतिक संपर्क से आपको फायदा मिल सकता है। समय का उचित सदुपयोग कीजिएगा। बहुत ही अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेंगे। व्यर्थ की बातों में ध्यान देने से आपको असर आपके विचार शैली पर भी पड़ सकता है। मन में किसी भी प्रति आपको नकारात्मक भाव उठ सकते हैं। अप्रिय गतिविधियों में ध्यान न देना है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति सहज रहने का कार्य कर सकते हैं। व्यवसाय में कुछ ना कुछ व्यवधान आ सकते हैं। धैर्य से समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। जीवन के पंचदेवियों को पार करने की स्थिति बन सकती हैं। भगवान की कृपा और भगवान की महिमा आपके जीवन में महत्वपूर्ण जो है छाप छोड़ने की स्थिति बना रहा है। दिन के अनुकूल आप लोगों के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के साथ बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की स्थिति जरूर बनने की स्थिति बन सकती है।